अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि अगर हमने सोशल सिक्योरिटी की कंट्रीब्यूशन जमा करवानी है, जो कि मंथली तौर पे हर फैक्ट्री जमा करवा रही होती है, तो उसका क्या प्रोसेस है, उसका क्या तरीकाकार है। सबसे पहले आपने अपना जो कंपनी का लॉगिन है वो उसका यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है। यहाँ से आपने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद सबसे पहले आपने आना है कि यहाँ एम्प्लॉय में आपने आना है प्रोफाइल फॉर कंट्रीब्यूशन। तो ये आपके पास एम्प्लॉयज की लिस्ट आ रही है। यहाँ जितने भी आपके एम्प्लॉयज हैं, ये जो टिक का निशान है इसका मतलब ये एक्टिव है, और ये जो क्रॉस है इसका मतलब है इनएक्टिव है। अगर आपने इनको फिल्टर करना हो तो आप यहाँ से एक्टिव या इनएक्टिव का कर सकते हैं। जैसे मैं एक्टिव को फिल्टर करता हूँ और यहाँ इक्वल टू को कर देंगे तो आपके पास ये सिर्फ एक्टिव सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, अब इस इनमें से अगर कोई बंदा लेफ्ट कर गया तो उसको आपने कैसे रिमूव करना है। जैसे कि मेरे पास कुछ, मैं अपनी हिस्ट्री चेक करता हूँ तो अरीब अहमद और जैनुल आबिदीन, ये दो बंदे लेफ्ट कर गए हैं। ठीक है, अरीब अहमद, तो यहाँ से आके मैं सेपरेशन पे क्लिक करूंगा। सेपरेशन पे जाके यहाँ, क्योंकि मैं उसकी प्रीवियस मंथ की डेट डालूंगा ताकि उसकी इस मंथ की कंट्रीब्यूशन ऐड ना हो। तो ये अप्रैल में, क्योंकि हम मार्च की कंट्रीब्यूशन बना रहे हैं, इसलिए मैं इसको फेब में डीएक्टिवेट कर दूंगा। फेब की मैंने लास्ट वर्किंग डे डाल दी और यहाँ मैंने उसका रिजाइन या टर्मिनेशन ऐड करके, तो यहाँ मैं लिख दूंगा लेफ्ट और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारे पास था जैनुल आबिदीन, जैनुल आबिदीन, और इसका जैनुल आबिदीन, ये मेरे पास जैनुल आबिदीन आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जाके सेपरेशन में यहाँ से उसकी लास्ट वर्किंग डे डाल दूंगा 28 फेब की, और यहाँ उसको रेजिग्नेशन, और यहाँ से उसको कर दिया लेफ्ट। तो ये हमारे पास बंदे हो गए, दो बंदे लेफ्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं अब यहाँ एक्टिव पे जाके इक्वल टू को करूंगा तो अभी ये मेरे पास चार लोग एक्टिव हैं। अब इसमें मैंने कोई नया बंदा ऐड करना है तो उसमें प्रोफाइल फॉर कंट्रीब्यूशन में प्लस के इस पे क्लिक करें। ठीक है, यहाँ आप उसका सीएनआईसी नंबर लिखें। जैसे कि अगर मैं यहाँ दो बंदों को ऐड करना है 412051, तो ये मेरे पास एक मैंने डेटाबेस बनाई हुई है, यहाँ से मैं उसका सीएनआईसी कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट कर दूंगा और चेक। तो ये मेरे पास उसका प्रोफाइल ओपन हो गया। यहाँ मैं उसकी डिटेल मेंशन कर देता हूँ। यहाँ नेम कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं और मैनुअल भी लिख सकते हैं। ये उसका फादर नेम है, ठीक है, और ये जेंडर उसका मेल है। यहाँ उसका कॉन्टेक्ट नंबर मैं लिखूंगा, यहाँ से एक कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। यहाँ उसका डेजिग्नेशन मैन सेल्समैन है, तो यहाँ उसको मैंने कर दिया मैन सेल्समैन। स्किल है, इसको नॉर्मली अनस्किल्ड ही सिलेक्ट करें ताकि आपको मिनिमम वेज रेट अप्लाई करना पड़े। यहाँ परमानेंट है तो परमानेंट सिलेक्ट करें, अगर डेली वेजर है डेली वेज सिलेक्ट करें, लेकिन हमारे पास हम परमानेंट ही मोस्टली सिलेक्ट करते हैं। और यहाँ मंथली सिलेक्ट करके जो मिनिमम वेज रेट अप्लाई हो रहा है 25,000, तो 25,000 मैं लिख दूंगा। यहाँ मंथ सिलेक्ट कर दूंगा मंथली और इसको कर दूंगा सेव। ये मेरे पास पहला बंदा इनरोल हो गया। ठीक है, अब मैंने एक और बंदा ऐड करना है तो सेम वही प्रोसेस है। ऐड के बटन पर क्लिक करें, यहाँ से जाके मैं उसका सीएनईसी नंबर लिखता हूँ, इसको चेक किया, यह सेम वही तरीका है। यहाँ से उसका नेम लिखा नेम, और यहाँ से उसको कॉपी किया फादर नेम, और यहाँ मैंने ऐड कर दिया। इसका जेंडर लिख दिया मेल है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया। डेजिग्नेशन में यहाँ केपीओ लिख देता हूँ मैनुअल, और यहाँ स्किल में आप सेमी स्किल भी लिख सकते हैं। यहाँ परमानेंट में जाके उसका सैलरी जो वेज टाइप है मंथली है, यहाँ 25,000 रुपया मैं लिख दूंगा और इसको भी मंथली सेव कर दूंगा। ठीक है, अब ये मेरे पास बंदे ऐड हो गए, यानी कि जो जितने बंदों की मैंने कंट्रीब्यूशन भेजनी थी वो मेरे पास बंदे ऐड हो गए। अगर डैशबोर्ड में जाएं तो आपके पास आ रहे, अभी आपके पास 6 लोग एक्टिव है, तो 6 लोगों की आपने कंट्रीब्यूशन जमा करवानी है। तो कंट्रीब्यूशन के लिए आपने आना मंथली कंट्रीब्यूशन में, मंथली कंट्रीब्यूशन के बाद आपने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ से आपने क्रिएट प्लस का बटन है इस पे क्लिक करें, क्रिएट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ से आपकी मंथ सेलेक्ट आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है कि एक्टिव एम्प्लॉय आपके पास इतने हैं, ये सारे परमानेंट है। ठीक है, यहाँ क्रिएट कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करें तो ये आपके पास नीचे डिटेल आ गई। ठीक है, ये पर मंथली इतना पर हेड 1500 रुपये बन रहा है। ठीक है, और ये 6 लोग हैं, तो इसको मैं सबमिट करूंगा।
तो ये मेरी कंट्रीब्यूशन सबमिट होगी। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से बंद कर दूंगा और यहाँ जाऊंगा मंथली कंट्रीब्यूशन में, सबमिट में, पेमेंट रिसीव। अब यहाँ चूंकि तो सबमिट में आपने क्लिक किया तो ये आपके पास हिस्ट्री आ गई, जो ये मेरी पेमेंट अभी पेंडिंग है, सबमिट नहीं हुई, और जो अभी मैंने सबमिट करवाई है वो है केस अंडर कंट्रीब्यूशन असिस्टेंट। तो ये सोशल सिक्योरिटी का नुमाइंदा इसको अप्रूव करेगा तो हमारे पास ये इसका वाउचर जनरेट हो जाएगा। अगर आपने देखना है तो इसकी कितनी अमाउंट बन रही है तो आप डिक्लेरेशन फॉर्म में जाएं और यहाँ से इसको भी, ये आपको वो इसकी सारी डिटेल दे रहा है कि 6 लोग हैं और अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन पेड 9,000 है। ठीक है, अब इसका प्रिंट निकाल के भी अपने ऑनर से साइन करवा सकते हैं। अगर बंदों की डिटेल चेक करनी हो तो आपने C1 फॉर्म पे शेड्यूल फॉर्म इसकी, इसको एक्सेल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट प्रिंट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया, बंडल ऑफ थैंक्स।